जय श्री राम दोस्तों, मैं बालाजी का सेवक यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ कि आप भी बोलेंगे कि हाँ, इससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं हनुमान जी की इस चीज़ से। क्योंकि आप कितने लोग हैं इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, जो हनुमान जी की भक्ति के बारे में जानते हैं, हनुमान जी की शक्ति के बारे में जानते हैं और हनुमान जी की भक्ति करते हैं। सब ये पूछते हैं। कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा कि हनुमान जी दिखते कैसे हैं। कुछ मेरी माताएं, बहनें, कुछ मेरे छोटे भाई, कुछ मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मुझसे पूछा कि हनुमान जी दिखते कैसे हैं। तो मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ। आज मैं बिल्कुल एक्यूरेट, जो मेरे हिसाब से है, जो मैंने जितनी भी भक्ति की है 2.5-3 साल 2 साल के आसपास, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ, जो जो मैंने अनुभव किया है, जो देखा है, मैंने जो देखा है, उस हिसाब से बताऊँगा आपको। हनुमान जी, पहली बात तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सीता माता का आशीर्वाद उनको है, अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ उनके पास है। कभी भी आपको हनुमान जी, कोई भी भक्त, किसी भी भक्त, बालाजी के भगत से पूछ लेना हनुमान जी का रूप कैसा है। 10 भक्तों से पूछना, 10 के 10 सेम एक ही नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास ऐसी सिद्धियाँ, ऐसी निधियाँ हैं कि वो अपना रूप हर तरह का बदल लेते हैं। हनुमान जी छोटा रूप भी कर लेते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं, और बड़ा भी कर लेते हैं, विशाल काय भी कर लेते हैं, बंदर भी बन जाते हैं और पहलवान भी बन जाते हैं, ठीक है ना। और मूर्ति के रूप में भी हनुमान जी दिखते हैं आपको। तो हनुमान जी का कोई एक रूप नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप सोचते हैं कि हनुमान जी ऐसे हैं तो वो बात सही नहीं। उस भगत ने बताया था हनुमान जी ऐसे हैं तो वो बात भी सही नहीं। उस भगत ने देखा था वैसे, वो उस समय उस रूप को बता रहा है, लेकिन हनुमान जी का वो एक रूप नहीं है। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, उनके पास इतनी इतनी शक्तियां हैं, वो किसी भी रूप में आपको दिख सकते हैं। जिस रूप में आपको दिख रहे हैं, समझ लीजिए हनुमान जी आपके लिए वैसे ही हैं, कोई एक रूप नहीं है। अगर आप किसी और देवी देवता की बात करते हैं तो मैं बताता हूँ, जैसे काली माँ का आप पूजा करते हैं, तो काली माँ आपको जब भी दिखेंगी, काली माँ, काली मूर्ति या काली ही लेडीज एक दिखेगी आपको, जीभ निकली हुई, एक ही रूप में दिखेंगी आपको, ठीक है। या छोटी बच्ची काली दिख सकती है, इतना हो सकता है। आप और किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके पास अष्ट सिद्धि नौ निधि नहीं है, ठीक है, और हैं भी तो वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो जिस रूप में हैं उसी रूप में दिखेंगे आपको, अलग अलग रूप में नहीं दिखेंगे आपको। हनुमान जी के पास है, हनुमान जी अलग अलग रूप में दिखेंगे आपको, किसी एक रूप में नहीं दिखेंगे। पहलवान रूप में दिखेंगे, मूर्ति के रूप में गदा लेके दिखेंगे, लंगोट बांधे हुए दिखेंगे, छोटा बच्चे के रूप में दिखेंगे, छोटे बंदर के रूप में दिखेंगे, बड़े बंदर के रूप में दिखेंगे, लाल रूप में दिखेंगे, इस तरह के रूप दिखते हैं। तो हनुमान जी का कोई एक रूप नहीं है, मैं आप सबको बता दूँ, हनुमान जी का कई सारे रूप हैं, इसलिए हनुमान जी कई सारे रूप में आपको दिखते हैं। ये मेरी जांची परची बात है, क्योंकि हनुमान जी की आप कितनी भी साधना कर लेना, आपको कभी भी एक ही रूप में सेम नहीं दिखेंगे। हनुमान जी अलग अलग रूप में दिखेंगे, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी बूढ़े के रूप में भी दिखते हैं आपको हनुमान जी, पता है। कोई छोटा सा, कोई बहुत बुजुर्ग आदमी आपको दिख जाएगा, सफ़ेद कपड़ों में, लाल कपड़ों में, गले में माला डाला हुआ, माथे पर राम लिखा हुआ, इस तरह का कभी दिख जाएगा आपको। गदा लिए हुए, डंडा लिए हुए आपकी परीक्षा लेने के लिए आ जाएंगे। हनुमान जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, पता है ना। परीक्षा ली थी, राम जी की परीक्षा लेने पहुंच गए थे, पता करने के लिए पहुंच गए। तो हनुमान जी हमारे कोई भी एक रूप नहीं है, उनका अलग अलग रूप है उनके पास, क्योंकि वह सिद्धि नौ निधि के दाता है, उनके पास है, वो देते भी हैं लोगों को, ठीक है। बहुत कोई जो भक्त उनका होता है ना, उनको विदे भी देते हैं, जैसे कि बाबा नीम करोली, आपने सुना होगा, नीम करोली बाबा, कंबल वाले बाबा भी बोलते हैं, उनके पास थी। कहते हैं कि वो अपने भक्तों के पास, जो सच्चे भक्त होते थे, उनके पास किसी भी रूप में पहुंच जाया करते थे। जैसे कि आज यहाँ बैठे, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पर, वो दूसरी जगह भी पहुंच जाते थे उसी समय, सेम टाइम। तो हनुमान जी ने उनको दे रखी थी शक्तियाँ। तो बहुत ज़्यादा जो कैड़ी भक्ति करता है ना, कर्री भक्ति करता है, हनुमान जी उसको सिद्धियाँ दे देते हैं, नौ निधियाँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो दे भी सकते हैं आपको। तो हनुमान, तो मेन मोटिव जो था वीडियो बनाने का, वो ये था कि हनुमान जी क्या एक रूप नहीं है, कोई एक रूप, जैसे और देवी देवताओं का एक रूप होता है, हनुमान जी का एक रूप नहीं है। हनुमान जी का अलग अलग रूप है, इसलिए आपको हनुमान जी अलग अलग रूप में दिखेंगे, क्योंकि उनके पास अष्टसिद्धि नौ निधि हैं, ठीक है ना। तो हनुमान जी का आप कभी ये ना सोचे कि हनुमान जी कैसे हैं, हनुमान जी का रूप हमेशा अलग अलग है, ठीक है ना। हनुमान जी आपको हर एक बार अलग अलग रूप में दिखेंगे, कोई एक रूप नहीं है हनुमान जी का, कभी बड़े रूप में, कभी छोटे रूप में, छोटे बंदर, बड़ा बंदर, हेल्प कर रहा है कोई आपकी, इस तरीके से रूप दिखेंगे। तो हनुमान जी का कोई एक रूप समझने की गलती ना करें, कोई बताता है तो आपको वो बता रहा है, क्योंकि वो उसने उस रूप के दर्शन किए। और कभी कभी तो ऐसा होता है, आप जानते हो, जिस मंदिर में आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो मूर्ति दिखेगी आपको, ठीक है ना, होता है ना, ज़्यादातर वो मूर्ति दिखेगी आपको, क्योंकि वो उसकी पूजा करके आपने उसकी वो मूर्ति सिद्ध हो गई आपको, इसलिए आपका आँखों के सामने आती है वो, जब आप आँख बंद करते हैं इस तरीके से। तो हनुमान जी का एक रूप नहीं है,
किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। तो ये चीज़ ना सोचें कि एक रूप हनुमान जी ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। हनुमान जी सब जगह हैं, तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में, हर जगह हैं और वो हर रूप में हैं। हनुमान जी कभी भी आपकी परीक्षा लेने कैसे भी रूप में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी हर देवी देवता के रूप में एक ही रूप में दिखेंगे, हनुमान जी हर रूप में दिखेंगे। ठीक है ना, यही बताना था मुझे। और ये मेरा खुद का शोध है जो हनुमान जी के ऊपर है, जो तो मैंने देखा है और किया है, उसके बारे में ही बता रहा हूँ, जो जो मुझे दर्शन हुए जिस तरह के। ठीक है, तो आप इसको, आपको जानकारी मिल गई होगी कि हनुमान जी का रूप कैसा है। एक रूप नहीं है, अलग अलग रूप है। जिस रूप में आपको दिखेंगे नेक्स्ट टाइम में आपको दूसरे रूप में भी दिखेंगे। ठीक है ना, हर 10 लोगों को 10 भक्त होंगे, सबको अलग अलग रूप में दिखेंगे। तो ये होता है हनुमान जी के बारे में। ठीक है, तो यही मुझे बताना था आज कल आपको। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री।